तो दोस्तों टेक्निकल निमोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो आपको ट्रिक ही कहना होगा। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता दें। अगर आपके फ़ोन में कोई अनाउन नंबर आता है, अनाउन नंबर से दूसरा नंबर से अगर आपका फ़ोन आता है तो वो नंबर आपको दिखाई नहीं देता, उसका नाम नहीं दिखाई देता है। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आपको इससे पहले भी इस चैनल पर एक वीडियो आया है, जो मेरे चैनल पर वीडियो है, मैं आपको बताया हूँ कि अगर आपको अनाउन नंबर से किसी का कॉल आता है तो उसका नाम कैसे पता करना है। तो आप अपने ट्रू कॉलर में जाते हैं, ट्रू कॉलर में जाने के बाद तब आप अपना नंबर को ये करते हैं, वहाँ से आपको एक सेटिंग करना होता है और जैसे ही किसी का कॉल आता है तो उसका नंबर नाम पता चल जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा व्हाट्सएप के अंदर आपको आप जो है ट्रू कॉलर छोड़ देना होगा। ट्रू कॉलर से आपको कोई संबंध नहीं है, बस आपको इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है इस तरह का वीडियो आता रहता है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि व्हाट्सएप से आप उसका DP यानी फ़ोटो देख सकते हैं और प्लस उसका नाम भी देख सकते हैं, उसका नाम क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा जस्ट। तो इसके लिए आपको वीडियो का एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर जो है इस तरह का वीडियो आता रहता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना होगा, क्योंकि छोटा सा ये एप्लीकेशन है, 2 से 4 MB का, उसको ओपन कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ 6 ऑप्शन दिखाई देगा, डाटा सेवर, बबल चार्ट, डायरेक्ट चार्ट, व्हाट्स एक्शन, फोल, DP, कमिश्नरसन। इस 6 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, उस ऑप्शन का नाम है डायरेक्ट यानी चार्ट। उस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आपको यहाँ सबसे पहले सेंड मैसेज टू अ अनसेव नंबर ऑन व्हाट्सएप, यानी कि आपका नंबर जो है सेव नहीं होना चाहिए। किसी का भी अदर नंबर हो तो उसका व्हाट्सएप सेव नहीं होना चाहिए, उसका नंबर सेव नहीं होना चाहिए, तभी आपको बताएगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जिसका सेव नंबर रहेगा तो वो ये नहीं बताएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पहले सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको यहाँ से अपना नंबर डाल देना है, कोई भी नंबर। जैसे कि मैं पहले अपना नंबर डाल देता हूँ, जो अपना जो यही मेरा ही नंबर है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर हुआ। ये नंबर होने के बाद इसको क्या करना है, स्टार्ट चैट ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेंड। सेंड करने के बाद क्या होता है कि सेंड करने के बाद ये अपने आप मेरा व्हाट्सएप खुल के तैयार हो जाता है। अब यहाँ से देखिए आप चैटिंग कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जैसे इस पर सेंड करेंगे ना, अपने आप 2 टिक लग जाएगी, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अपने नंबर से बातें कर सकते हैं। देखिए जैसे ही करते हैं अपने आप 2 टिक लग जाता है, तो है ना अमेजिंग। तो ये आप पहले अपना व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा अपना अपना नंबर देखे, उसके बाद अदर का नंबर का आपको बता दे चेक करना। देखिए आपको यहाँ से फिर बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद आपको दूसरा नंबर सेव कर देना है, दूसरा नंबर यानी दे देना है यहाँ। जैसे इसमें यहाँ दूसरा नंबर देता है, कोई भी नंबर दे देते हैं, जैसे 7 7 7 3 9 3 4, उसके बाद 9 2 3 4, फिर इसको डाल दिए। जैसे डालने के बाद इसको यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्टार्ट चैट ऑन व्हाट्सएप पे, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसका व्हाट्सएप खुल के आ जाएगा। देखिए जैसे इसका व्हाट्सएप खुल के तैयार हो जाएगा, देखिए अभी जस्ट देखिए देखिए। सॉरी भाई, अगर किसी का भी ये गलती से, अगर हम तो देख के नहीं किए कि ये किसका व्हाट्सएप है, हमको पता नहीं है, अगर आपका है तो उसके लिए सॉरी। तो इसमें आपको क्या करना है, उसका DP देखिए यहाँ दिखाई देता है उसका व्हाट्सएप में। जैसे उसका DP दिखाई दे और उसका नंबर पे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, नंबर पे क्लिक कीजिए, नंबर पे क्लिक करने के बाद आपका उस इस तरह करके उसका DP देख सकते हैं। तो है ना DP लगा हुआ, आप किसी का भी देख सकते हैं। देखिए ये अनाउन नंबर है, हम ऐसे ही उदाहरण के तौर पर डेमो के तौर पर आप बता दिए और दिखा दिए। अब उसका नाम जो है, नाम कहाँ लिखा रहा था, वहाँ से फिर बैक जाइए। मैं आपको एक यानी एक ऐसा ये देता हूँ, जैसे कि मैं किसी का भी नंबर डाल लेता हूँ, 7 7 3 9 7 3, इसको डाल लिया। डालने के बाद आपको मैं ब्लर कर रख रहा हूँ ये नंबर, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, यानी कि पर्सनल नंबर क्या है, मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ उसका नाम कहाँ लिखा हुआ रहता है। स्टार्ट चैट ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ से सेंड कर देना है। सेंड का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देखिए इसका नंबर यानी इसका व्हाट्सएप खुल के तैयार हो चुका है। आप देखिए इसका DP भी दिखाई दे रहा है आपको, और उसका जो है यहाँ देखिए उसका नंबर, जैसे उसका नंबर पे क्लिक करना होगा, DP पे नहीं, DP पे अगर क्लिक करेंगे अपने आप बैक हो जाएगा। तो आपको यहाँ से नंबर पे क्लिक करना होगा, नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ से आपका नाम दिख रहा है, हैदर अली, यानी देखिए यह मेरा ही नाम है और मैं ही इस वीडियो को क्रिएट करता हूँ, मैं ही मेरा ही ये नाम है, और मैं देखिए ये DP मेरा ही है, ठीक है।
या DP भी उसका देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के अंदर ये ट्रिक आपको कैसा लगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर जो नेक्स्ट का वीडियो आता रहता है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय।